सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है और आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आपके चैनल पे व्यूज नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे और लगातार यूट्यूब पे यही सर्च करते रहते हो हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स, हाउ टू इंक्रीज व्यूज, तो आपकी तलाश यहाँ खत्म होती है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो YouTube चैनल को ग्रो करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है ऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी जहां पे आपको एक अच्छी वीडियो बनानी है, यानी अच्छे एडिटिंग, अच्छे थंबनेल, अच्छे ट्रांजिशंस, अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक, मतलब सब कुछ मिला के एक अच्छा वीडियो तैयार करना है, अपलोड करना है और वेट करना है कि आपके चैनल पे कोई एक वीडियो वायरल हो जाए। और दूसरा तरीका है सेल्फ प्रमोशन, जहां पे आप खुद अपनी वीडियोस बनाते हो और अपनी वीडियो को खुद दूसरे लोगों तक पहुंचाते हो, अपनी ऑडियंस तक पहुंचाते हो। उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं अपनी वीडियो को प्रमोट करने के, जैसे आप फेसबुक पे प्रमोट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर सकते हो और इवन खुद यूट्यूब पे ही प्रमोट कर सकते हो अपने यूट्यूब वीडियोस को। तो आज हम एक ऐसे टूल को यूज करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम यूट्यूब पे ही अपनी यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं और उस टूल का नाम है गूगल एडवर्ड्स। हालांकि मैं गूगल एडवर्ड्स पे एक साल पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल पे अभी भी पड़ी है और उस पे 10,000 से ज्यादा व्यूज हैं, लेकिन ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि पिछले एक साल में गूगल एडवर्ड्स के प्लेटफॉर्म पे काफी सारे चेंजेस आए हैं। इसलिए इस वीडियो के थ्रू आपको सारे चेंजेस के बारे में भी पता पड़ेगा और ये भी पता पड़ेगा कि कैसे आप कम कॉस्ट में ज्यादा व्यूज ले सकते हो और कैसे आप एक इफेक्टिव और अच्छा कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ एडवर्ड्स कैंपेन क्रिएट करने से पहले आपको गूगल का एडवर्ड्स अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पे आपको 2000 का फ्री क्रेडिट मिलता है। मतलब आप 2000 रुपए स्पेंड करते हो और गूगल आपको 2000 रुपए और देता है अपनी तरफ से एडवर्ड्स पे स्पेंड करने के लिए। तो वो अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसको बहुत छोटा सा प्रोसेस है, मैं एक वीडियो लिंक कर दे रहा हूं आई बटन में, उसको आप देख सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको ये पेज दिखाई देगा जिस पे मैं अब हूं और यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना कैंपेन क्रिएट करना। तो यहां पे सबसे पहले होम पेज पे आपको दिखाई देगा न्यू कैंपेन, इस पे क्लिक करना है। सेकंड पेज पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे, हमें करना है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स ऑडियंस पे। नेक्स्ट हमें क्लिक करना है वीडियो एड्स पे, क्योंकि हम अपना वीडियो एड प्रमोट करना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे वीडियो पे और यहां पे हमें चूज करना है कस्टम वीडियो कैंपेन, कंटिन्यू। अब यहां पे वो सबसे पहले पूछेगा आप कैंपेन का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए डेमो रख ले रहा हूं। सेकंड ऑप्शन पूछेगा बिड स्ट्रेटजी, मतलब आप किस तरह की बिड रखना चाहते हैं, तो हम क्लिक करेंगे मैक्सिमम सीपीवी पे। इसके बाद ऑप्शन आएगा बजट एंड डेट्स का, जिसमें दो ऑप्शन आएंगे कैंपेन टोटल या फिर डेली। कैंपेन टोटल मतलब आप एक ही बार में बता दोगे कि हमें इस कैंपेन पे कितना पैसा खर्च करना है, या फिर आप डेली पे चूज कर सकते हो। यहाँ पे जितना भी आप डेली ब्रैकेट चूज करोगे उतने अमाउंट पे जाके आपका जो कैंपेन है वो स्टॉप हो जाएगा, तो हम करेंगे डेली और यहाँ पे हम एक बजट रख देते हैं अपने डेली के 200 रुपीज का। नेक्स्ट वो आपसे पूछेगा नेटवर्क्स, तो नेटवर्क्स में हमें YouTube सर्च रिजल्ट्स पे टिक करना है, YouTube वीडियोस पे भी टिक रखना है, लेकिन जो लास्ट है वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क, इसको अनटिक कर देना है। नेक्स्ट लोकेशंस आपको चूज करनी है, आप कौन कौन सी लोकेशन पे अपने एड कैंपेन को दिखाना चाहते हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब चीजों को आप टारगेट कर सकते हो। नेक्स्ट आपसे पूछेगा लैंग्वेजेस दैट योर कस्टमर्स स्पीक, यानी आपकी ऑडियंस किस तरह की लैंग्वेज बोलती है, तो यहाँ पे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही चूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सिर्फ हिंदी करोगे तो आपकी जो वीडियो है बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों चूज कर लो, अल्टीमेटली दिखाई जाएगी उन्हीं कंट्रीज में जो आप चूज करने वाले हो। नेक्स्ट और नीचे चलेंगे तो आपसे पूछेगा इन्वेंटरी टाइप, इन्वेंटरी टाइप में वो आपको तीन ऑप्शन देगा, लिमिटेड, स्टैंडर्ड, एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड पे आप रख सकते हो क्योंकि एक्सपेंडेड पे ज्यादा रीच मिलती है, स्टैंडर्ड पे कुछ जो चैनल्स हैं या कुछ ऐसी लोकेशन है जहां पे वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, एक्सपेंडेड पे बहुत ज्यादा रीच देगा आपको एडवर्ड्स और प्राइस भी अच्छा देगा। इसके बाद आपसे पूछेगा एक्सक्लूडेड टाइप्स एंड लेबल्स, इस पे आप क्लिक करके एम्बेडेड और लाइव स्ट्रीम वीडियोस को टिक कर देना और कंटेंट नॉट येट लेबल्ड को अनटिक कर दो। इसके बाद आता है रिलेटेड वीडियोस, जो एक न्यू फीचर है, न्यू एडिशन है गूगल एडवर्ड्स में। जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जो एक साल पहले, उस टाइम ये फीचर नहीं हुआ करता था, ये अभी अभी ऐड किया गया है इस गूगल एडवर्ड्स कैंपेन में। सो इसकी हेल्प से आप जो अब वीडियो प्रमोट कर रहे हो उसके साथ साथ अपनी एटलीस्ट 5 वीडियोस और प्रमोट कर सकते हो, यानी जहां भी आपका एड दिखाई देगा, जब भी कोई आपके एड पे क्लिक करेगा आपकी वीडियो के नीचे 5 वीडियोस और दिखाई देंगी आपके है चैनल की। आप इस तरह से यहां पे क्लिक करके रिलेटेड वीडियोस पे प्लस के निशान पे क्लिक करोगे और यहां पे अपने
वीडियोस के 5 URL आप ऐड कर सकते हो। मैं आपको ऐड करके भी दिखाता हूँ। ये मैं अपनी पहली वीडियो का लिंक यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ और उसके बाद ये दूसरी वीडियो का लिंक पेस्ट कर दिया है। ऐसे करते करते आप 5 वीडियोस के लिंक पेस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद आपको मिलेगा कन्वर्जन, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद डिवाइसेज में आप चूज कर सकते हो कि आपका जो एड है वो किस तरह के डिवाइसेज पे चलना चाहिए या किस पे नहीं चलना चाहिए। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन दिखाएगा, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, टैबलेट्स, टीवी स्क्रीन्स। मैं जनरली टीवी स्क्रीन्स को ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि टीवी स्क्रीन पे जो बंदा देख रहा होता है बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इसलिए मैं टीवी स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद आएगा फ्रीक्वेंसी कैपिंग, जहां पे आपको ये डिसाइड करना है कि एक व्यूअर आपका एड एक दिन में कितनी बार देख सकता है। तो यहाँ पे आप कैप व्यू फ्रीक्वेंसी पे 1 कर सकते हो पर डे, यानी एक दिन में एक ऑडियंस के पास आपका एड एक ही बार जाएगा। नेक्स्ट है एड शेड्यूल, जहां पे ऑल डे पे ही रहने देना, क्योंकि आपका एड 24 घंटे चलते रहना चाहिए। इसके बाद आता है डेमोग्राफिक्स, और डेमोग्राफिक्स के अंदर आपको काफी सारे डिविजन्स मिलेंगे, जैसे आपकी ऑडियंस आपको फीमेल मेल रखनी है या फिर एज कौन सी ब्रैकेट में रखना है, 18, 24, 25 to 34, 35 to 44, पेरेंटल स्टेटस आपकी ऑडियंस का कैसा होना चाहिए, नॉट अ पेरेंट या फिर पेरेंट, हाउस होल्ड इनकम कितनी होनी चाहिए। ये आप अपना जो प्रोडक्ट है या अपना जो टूल है या अपना जो वीडियो है आप किसको टारगेट कर रहे हो उस हिसाब से अपना ये चूज कर सकते हो। इसके बाद आएगा ऑडियंस सेगमेंट्स, उसको छोड़ सकते हो, कीवर्ड्स को भी ड्रॉप कर सकते हो, या कीवर्ड अगर आपके पास कुछ सॉलिड कीवर्ड्स हैं तो उसको यहां लिख सकते हो, मतलब कीवर्ड्स एंटर कर सकते हो। मैं जनरली कीवर्ड्स को छोड़ देता हूं। टॉपिक्स प्लेसमेंट आप छोड़ सकते हो। इसके बाद आते हैं बिडिंग पे। बिडिंग पे मतलब आपको पर व्यू कितनी कॉस्ट देनी है अपने एक बार ऐड की। एक बार ऐड जब आपके किसी के सामने प्रेजेंट हो और उस पर क्लिक करे कोई ऑडियंस तो आपको कितनी कॉस्ट देनी है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं 20 पैसे से। आप देख लेना कि व्यूज आने स्टार्ट हो रहे हैं या नहीं। अगर कम व्यूज आ रहे हैं तो आप बिड थोड़ी सी बढ़ा सकते हो, 20 पैसे की जगह 22 पैसे या 23 पैसे कर सकते हो। अगर ज्यादा ही व्यूज आने लगते हैं, मतलब आपके 100, 200, 500 व्यूज हर मिनट आने लगते हैं, तो आप बिड को कम कर दो, 18 पैसे ले आओ, 15 पैसे ले आओ। और एट लास्ट फाइनली आता है क्रिएट योर वीडियो एड्स, यानी यहां पे हमें उस वीडियो का लिंक पेस्ट करना है जो हमें प्रमोट करनी है गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। तो इस पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर हमें 2 ऑप्शन मिलेंगे, स्किप एड्स और वीडियो डिस्कवरी एड्स। स्किप एड्स मतलब जैसे भी आप कोई वीडियो ओपन करते हो यूट्यूब पे तो स्टार्टिंग में एक वीडियो प्ले होती है जो 5 सेकंड के बाद आप स्किप कर सकते हो, लेकिन यहां हम बात करें वीडियो डिस्कवरी एड्स की। तो हम वीडियो डिस्कवरी एड पे क्लिक करेंगे, यहां पे उस वीडियो का हम लिंक पेस्ट कर देंगे, यानी यूआरएल पेस्ट कर देंगे, और नीचे चलेंगे तो थोड़ी सी डिटेल्स मांगेगा हमसे कि हम इस कैंपेन का या इस एड का हेडलाइन क्या रखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन देना है, तो हम अपनी वीडियो अपने कंटेंट के हिसाब से हेडलाइंस वगैरह दे सकते हैं। मैं इस वीडियो के हिसाब से दे देता हूं, और सारी चीज कंप्लीट करने के बाद आपको जस्ट क्लिक कर देना है डन, और फाइनली क्लिक करना है आपको क्रिएट कैंपेन पे। इसके बाद आपके सामने आएगा कांग्रेचुलेशंस योर कैंपेन इज रेडी, ये सारी आपकी डिटेल्स हैं, आप कंटिन्यू टू कैंपेन कर दो। तो यहां पे आपका कैंपेन क्रिएट हो चुका है। ऊपर दिख रहा होगा बजट 200 रुपीज पर डे, जो हमने डिसाइड किया था कि एक दिन में 200 रुपए से ऊपर खर्च नहीं होना चाहिए। यहां पर क्लिक हमने कॉस्ट चूज की थी 20 पैसे, तो वो भी यहां पे दिख रही है। अब क्लिक करते हैं एड ग्रुप के अंदर, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा पेंडिंग अंडर रिव्यू में स्टेटस में दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब ये जो एड है भी रिव्यू के लिए गया है गूगल एडवर्ड्स के पास, वहां से जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो यहां पे जो स्टेटस है उसके अंदर लिखा हुआ आएगा एलिजिबल। जब ये पॉजिटिव कर देंगे, वहां से पास कर देंगे, एलिजिबल कर देंगे इसको, उसके बाद आपका कैंपेन जो रन करना शुरू हो जाएगा, और इसके साथ ही अब आपके चैनल पे आने वाले हैं बहुत सारे व्यूज और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में गूगल एडवर्ड्स को लेके कोई डाउट नहीं बचा होगा। इनकेस अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी बात कर सकते हो। और अगर आपको ये जानना है कि गूगल का एडवर्ड्स अकाउंट क्रिएट कैसे होता है और 2000 का फ्री क्रेडिट कैसे लेते हैं, इस वीडियो को अभी देख लो। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, और शाउट आउट के लिए डोंट फॉरगेट टू कमेंट। बाय।